सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो बेसिकली जितने भी एग्जाम है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो, सबका एक प्रॉपर वीडियो आने वाला है 2025 के लिए डेट्स के साथ, कब आपका डेट आएगा, ताकि कोई भी रजिस्ट्रेशन डेट आपसे मिस ना हो 2025 के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इस वीडियो के थ्रू आपको मिलने वाली है कि आपको कई सारे एग्जाम के बारे में पता चलेगा, ठीक है, लाइक आप कौन कौन से एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम होते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता, बाद में पता चलता है कॉलेज में जाने के बाद। सो इस वीडियो में हम टॉप स्टेट लेवल एग्जाम को कवर करने वाले हैं, वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट का होगा। एंड दूसरा कंडीशन जिसमें सारे स्टेट्स के स्टूडेंट एपियर हो सके, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिस स्टेट का है बस वही स्टूडेंट एपियर हो सके, उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो आएगा। तो इसमें आपके पास कई सारे ऑप्शन होने वाले हैं, नॉर्थ से लेके साउथ तक कोई भी स्टेट के स्टूडेंट एपियर हो सकते हैं किसी भी स्टेट के एग्जाम में। तो इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना। और इस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम वीडियो के सीरीज में नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है होम स्टेट बेस्ड। हम सिर्फ उस एग्जाम को कवर करेंगे जिसमें सिर्फ होम स्टेट स्टूडेंट एपीआर हो सकते हैं, देन हम इसके बाद प्राइवेट का भी कवर करेंगे। तो इन सबसे अपडेटेड रहने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही इस पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो यहाँ से जाके आप इस पीडीएफ का भी एक्सेस ले सकते हो। तो इस लिस्ट का जो हमारा सबसे टॉप एग्जाम है वो कॉमेट के यूजीटी है, जो कर्नाटका स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए होता है। तो इसका इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आएगा, एग्जामिनेशन सेकंड वीक ऑफ मई में हो रहा होगा, रिजल्ट इसका लास्ट वीक ऑफ मई में आ जाता है। अप्रॉक्स 1,00,000 स्टूडेंट एपीआर हुए थे 2024 में, ठीक है, तो इसकी पॉपुलरिटी काफी बढ़ती जा रही है। सिलेबस आपको 10+2 लेवल का ही देखने को मिलेगा, जेई से थोड़ा लो ही मान सकते हो। टोटल 3 घंटे का एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जो सबसे अच्छी बात है। बाकी यहाँ के कुछ टॉप इंस्टीट्यूट है जो आप यहाँ से देख सकते हो। इस वीडियो में हम सिर्फ एग्जाम डेट को ही कवर करने वाले, ताकि आप अपना कैलेंडर मार्क कर सको 2025 के लिए कि कब कौन से एग्जाम का डेट आने वाला है, एंड उसके लिए आप प्रिपेयर रह सको। बाकी जो भी अपडेट आएगा जिस भी एग्जाम पे, उस पर एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, ताकि आपसे कोई भी एग्जाम मिस ना हो और साथ ही आप अप्लाई कर सको, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो 12th पास होना चाहिए, या फिर अगर एपीयर हो रहे हो 2025 में तब भी दे सकते हो। पीसीएम एंड इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग के लिए, 45% मार्क्स चाहिए होगा 12th में, एंड अगर रिजर्व्ड कैटेगरी में आता तो 40% में काम चल जाएगा। कॉमेट के में मैनेजमेंट कोटा भी अवेलेबल है, बट यहाँ पे फीस बहुत ज्यादा लगता है, तो अगर अफोर्ड कर सकते हो तभी जाना। इस लिस्ट में दूसरा एग्जाम है एमएसटी सीईटी का, ठीक है, जो महाराष्ट्र स्टेट के लिए होता है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका सेकंड वीक ऑफ जनवरी में आ जाएगा, 1 महीने बाद। एग्जाम अप्रैल में हो रहा होगा 4th वीक में, एंड जो रिजल्ट आता है वो प्रोबेबली जून में आ जाता है। इस साल लगभग 6,00,000 स्टूडेंट एपीयर हुए थे पूरे एमएसटी सीईटी में, इसकी पॉपुलरिटी काफी ज्यादा है सारे स्टेट के एग्जाम से। इसके अलावा एग्जाम सिलेबस आपका वही 10+2 11 12th पे बेस्ड होने वाला है। एग्जाम 3 घंटे का होता है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे अच्छी बात है। बाकी ये यहाँ के टॉप इंस्टीट्यूट है। इस एग्जाम में एपीयर होने के लिए आपका 12th पास होना चाहिए, या एपीयरिंग भी है तब भी चल जाएगा, किसी भी बोर्ड से हो किसी भी स्टेट से हो। मिनिमम परसेंटेज जो आपको चाहिए 45% 12th में, एंड अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हो 40% पे काम चल जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसे भी एक दो गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे आपको जेई मेंस के थ्रू भी एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, तो आप जेई मेंस के थ्रू भी ट्राई कर सकते हो, बाकी प्राइवेट का ऑप्शन तो रहता ही है। इस लिस्ट का जो तीसरे नंबर पे एग्जाम है वो WBJEE का, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर इसकी बात करें डेट्स की, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका दिसंबर में आ जाएगा, ठीक है, एंड सेकंड वीक या थर्ड वीक तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका। दिसंबर के लास्ट वीक में स्टार्ट होता है एप्लीकेशन, एंड इसका जो एग्जाम होता है वो जनरली अप्रैल में ही हो जाता है, रिजल्ट मई में आ जाएगा, ठीक है। इस साल 1.1 लाख स्टूडेंट एपियर हुए थे। इस एग्जाम का ड्यूरेशन 2 आवर्स का ही होता है, ठीक है, एंड 1/4 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, तो इस बात का ध्यान रखना। बाकी ये यहाँ के टॉप इंस्टीट्यूट है, आप यहाँ से देख सकते हो, काफी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट भी है यहाँ पे। और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए, तो आपका 12th पास होना चाहिए, एपियर हो रहे हो 2025 में तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिजिक्स एंड मैथ्स यहाँ का कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, बाकी तीसरा सब्जेक्ट इनमें से कोई भी हो सकता है। और अगर मिनिमम मार्क्स की बात की जाए, तो 12th में 45% होना चाहिए, सिमिलर मतलब सारे एग्जाम्स का यही है, एंड 40% आपका अदर कैटेगरी से हो। बाकी अगर आप वेस्ट बंगाल के अलावा किसी और स्टेट में आते हो, तो आप जनरल में ही कंसिडर किए जाओगे, ठीक है। यहाँ पे जो सिर्फ आपको एडमिशन मिलेगा प्राइवेट कॉलेज में मिलेगा जेई मेंस एंड मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। गवर्नमेंट में जाने के लिए आपको WBJEE में अच्छा स्कोर लाना होगा, गवर्नमेंट में जाने के लिए काफी 2-3 अच्छे कॉलेज है गवर्नमेंट में भी, बाकी प्राइवेट में भी 3-4 अच्छे कॉलेज है, तो उसमें आप WBJEE के थ्रू भी जा सकते हो, जेई मेंस के थ्रू भी जा सकते हो, मैनेजमेंट कोटा। तो ये जो बाकी के दो ऑप्शन है ये सिर्फ आपका प्राइवेट के लिए है। तो इस लिस्ट का जो 4th नंबर पे एग्जाम है वो HPCET है, हिमाचल प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। तो अब इसके बारे में आप पहली बार ही सुन रहे होंगे, क्योंकि बहुत कम वीडियो में ही इस एग्जाम के बारे में जानने को मिलता है। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, तो 4th वीक ऑफ मार्च में आएगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन सेकंड वीक ऑफ मई में हो रहा है, एंड रिजल्ट उसी मंथ में आ जाएगा। ये एग्जाम ऑफलाइन होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है, 2 आवर्स मिलते हैं इस एग्जाम में, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे करेक्ट आंसर पे, एंड 1 मार्क आपका निगेटिव होगा अगर आपने गलत आंसर दिया। ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा। यहाँ के कुछ टॉप इंस्टीट्यूट आप यहाँ से देख सकते हो, काफी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, ठीक है, बट इस एग्जाम के थ्रू उतने टॉप के इंस्टीट्यूट भी नहीं
नहीं मिलते हैं इसलिए थोड़ा कम पॉपुलर है, बट लास्ट ऑप्शन के लिए आप इसे भी रख सकते हो। हालांकि नहीं भी देना चाहते हो तब भी मैं इसका ऑप्शन बताऊंगा कैसे एडमिशन मिल सकता है। सो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात किया तो 12th ऑब्वियसली पास होना चाहिए आपका, किसी भी स्टेट से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए आपका, रिजल्ट से हो तो 40%। ऑब्वियसली आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो ये सारे सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से पास आउट हो तो आप एपेयर हो सकते हो। ताकि अगर आप इस एग्जाम को ट्राई नहीं भी करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जेईई मेन के थ्रू भी जा सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, जेईई मेन के बेसिस पे भी एडमिशन होता है, तो काफी लो फीस में भी आपको अच्छी खासी मतलब ब्रांच देखने को मिल जाते हैं, काफी लो रैंक पर भी। प्लेसमेंट के हिसाब से उतना वर्थ इट ऑप्शन नहीं होगा, बट बैकअप ऑप्शन के लिए काफी सही है अगर आप किसी और चीज में इंटरेस्ट रखते हो, लाइक गवर्नमेंट जॉब, लाइक किसी और एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हो, गेट का एग्जाम देना चाहते हो, तो इस कंडीशन में आप डेफिनेटली जा सकते हो। अब इसमें इंक्लूड करने के लिए हमें 5th एग्जाम कोई मिला नहीं, ठीक है, बाकी जितने भी इसके अलावा स्टेट एग्जाम है वो सिर्फ उसी स्टेट के लिए जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो हमने इसमें 2 एग्जाम इंक्लूड किया यूनिवर्सिटी लेवल पे, ठीक है, एंड ये सारे गवर्नमेंट एग्जाम ही है। एक आपका हो गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए इंजीनियरिंग का अलग से एग्जाम होता है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म 2nd वीक ऑफ मार्च में आएगा एंड एग्जाम आपका जून में हो रहा होगा। ये एग्जाम में ऑफलाइन ही होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे 1/4 एंड पेन पेपर बेस्ड होगा 3 आवर्स का एग्जाम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की तो 50% मार्क्स आपका एग्रीगेट होना चाहिए इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में। तो ये रहा यहाँ का क्राइटेरिया एंड एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा इसको भी मार्क कर लो। एंड इसमें जो हमने दूसरा एग्जाम इंक्लूड किया है वो कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है जो कोची केरला में है, ठीक है, ये भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम होता है। इसके अंदर भी 3 कैंपस आते हैं, ठीक है, 3 कैंपस के लिए सीयू सेट एग्जाम होता है। एप्लीकेशन संभवतः जनवरी के लास्ट वीक में ही आता है एंड फरवरी तक इसका चलता है एप्लीकेशन। एग्जाम आपका 2nd वीक ऑफ मई में हो रहा होगा। 50% सीट जो यहाँ का रिजर्व है वो केरला स्टेट वालों के लिए एंड 45 जो बाकी सीट बच गए वो अदर स्टेट वालों के लिए, जो 5% सीट है वो मैनेजमेंट कोटा के लिए। एग्जाम मोड ऑनलाइन ही हो रहा होगा, सीबीटी मोड में एमसीक्यू बेस्ड होता है, ठीक है, मार्किंग स्कीम 3 यहाँ पे करेक्ट के लिए एंड 1 नेगेटिव मार्किंग के लिए। सिलेबस बेसिकली आपका 10+2 लेवल का ही होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% मार्क्स इन मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री इन सारे सब्जेक्ट में होना चाहिए 12th में। तो बेसिकली ये हमारे क्राइटेरिया है इस एग्जाम के, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये सारे एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो। हालांकि इनमें से जो सबसे टॉप का एग्जाम है एमएसटी सीईटी को आप मान सकते हैं एंड कॉमेट के एंड डब्ल्यूबीजेई को मान सकते हो, ठीक है, बाकी जो आपका एचपी सीईटी हो गया आप इसे बैकअप ऑप्शन के लिए रख सकते हो अगर आप जेईई में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो बाकी अदर एग्जाम में भी, ठीक है। एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हो तो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या कोचीन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, काफी अच्छे से जुड़े दोनों। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर रहे होंगे उन सारे एग्जाम्स के ऊपर जो सिर्फ उसी स्टेट के स्टूडेंट एपियर कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए गुजरात का हो गया, ठीक है, सिमिलरली कर्नाटका का ही एक KEAM एग्जाम हो गया, तो इस तरह से और भी कई सारे एग्जाम है जिसके बारे में पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एंड आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, ठीक है, ताकि आप अप्लाई कर सको आप जिस भी स्टेट से हो। सो आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, बाकी तुम वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि उनसे भी एप्लीकेशन डेट मिस ना हो। एंड लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी टॉप गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में, ठीक है, जहां से आपको इंजीनियरिंग एंड साइंस रिलेटेड फील्ड में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो चेकआउट नहीं किया तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसके बारे में आप पहली बार सुन रहे होंगे। इसी तरह से हम इस वीडियो सीरीज में और भी कई सारे एग्जाम्स को लेके आएंगे, लाइक प्राइवेट कॉलेजेस का हो गया, उनमें से टॉप कौन से एग्जाम है, कौन से हमें ट्राई करने चाहिए नहीं करने चाहिए, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। इसके अलावा कोई भी डाउट हो किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।